अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये मानना रहा है कि आपके स्वास्थ्य की अधिकतर जो समस्याएं होती हैं उनका संबंध आपकी आंतों से होता है। जब आपकी आंतों में गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है, ठहरनी शुरू हो जाती है, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक संस्थान पर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसे इस प्रकार समझें कि अगर आपको अपने घर का निर्माण करना है और आप मजबूती से घर का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मटेरियल का प्रयोग करना होगा। अगर आप अच्छी गुणवत्ता का सीमेंट प्रयोग नहीं करते हैं तो घर की मजबूती हो ही नहीं सकती। तो अच्छा मटेरियल प्रयोग करेंगे तो अच्छा मजबूत घर बनेगा। इसी प्रकार से आपके शरीर का निर्माण भोजन से होता है और भोजन से जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो आपकी आंतों के माध्यम से ही होता है। और अगर आपकी आंतों में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है तो जो एब्जॉर्प्शन होता है भोजन से पोषक तत्वों का, उसके साथ साथ वो गंदगी मिलकर के अवशोषित होनी शुरू हो जाती है। और जो रस है, यानी कि जो आपकी आंतों ने अवशोषित किया, जब वो विकृत हो जाता है, उसमें गंदगी हो जाती है, तो आगे के जो धातु होते हैं, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु होते हैं, तो जो रस है अगर उसमें ही विकृति हो गई तो रक्त में विकृति हो जाती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि जितने आगे के धातु हैं वो सभी विकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी आंतों की सफाई ठीक से नहीं रखते हैं, अगर आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह एक बार में आपका अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, तो समझे आप अपने पूरे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप अपनी आंतों का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और आपका पेट जो है सुबह अच्छे से एक बार में साफ हो जाए। इसके लिए योग के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं, जिन अभ्यासों के करने से आपकी आंतों का जो एक मूवमेंट होता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, उस मूवमेंट में सुधार होना शुरू हो जाता है। जो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, यानी कि जिस तरीके से वेव चलती हैं, इस तरीके से आंतों का निरंतर एक ये मूवमेंट होता रहता है। इस मूवमेंट के कारण ही जो आप खाना खाते हैं वो खाना आंतों में आगे की तरफ बढ़ पाता है। जब ये मूवमेंट ठीक नहीं रहता है तो फिर आपका खाना जो है अधिक समय तक आंतों में रुकना शुरू हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से वहां पर सड़न भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जब ये आहार आपकी बड़ी आंत में जाता है और अगर ये आहार धीमी गति से आगे बढ़ता है तो जो इस आहार में जल तत्व होता है उसका अवशोषण ज्यादा कर लिया जाता है और आपका जो मल है वो बहुत कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो योग के अंतर्गत जो अभ्यास होते हैं वो इस मूवमेंट को अच्छा कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, जिससे कि आपकी आंतों में मल जो है वो आसानी से आगे बढ़ पाता है और बाहर भी आसानी से निकल पाता है। तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो अभ्यास इसी आधार पर कार्य करेगा और इसमें बड़े ही सुंदर आपको प्रभाव थोड़े ही दिन में देखने को मिलेंगे। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हम आपको दो और नियम बताते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, जो हम आगे समझने वाले हैं, तो आपको जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बनी हुई कोई चीज प्रयोग नहीं करनी है, अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करना है, फाइबर ज्यादा लेना है और घर का सात्विक भोजन आपको करना है। ये आपका पहला नियम है। दूसरे स्थान पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको सोने से पहले दो चीजों का प्रयोग करना है। इन दोनों में से किसी एक चीज का एक बार में प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें, सोने से पहले आधा चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण ले लें, या फिर आप एक चम्मच की मात्रा में इसबगोल की भूसी जो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप पानी में मिला लें, आधा ग्लास पानी में, और इसको पी लें आप। ये आपको निरंतर करते रहना है, एक महीने तक आप इस तरीके से करेंगे इन दोनों में से किसी एक चीज का प्रयोग और आगे बताए गए अभ्यास, तो आप इस समस्या से, पेट साफ ना होने की समस्या, आंतों में गंदगी रुकने की समस्या, इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको जो योग अभ्यास करने हैं वो कैसे और कौन से अभ्यास करने हैं। तो आपको सुबह उठना है, सुबह उठ करके आप 10-15 कदम चल लें, उसके बाद आपको मलासन की स्थिति में बैठना है और मलासन की स्थिति में बैठ करके एक ग्लास पानी पीना है, और इसके बाद हम आगे के अभ्यास आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे के दो अभ्यास रहेंगे। इस तरीके की स्थिति में आप आकर के बैठ जाते हैं, उसके बाद आप पानी ले लें और जल पीना शुरू कर देंगे आप।
हमने यहाँ पर केवल एक ग्लास जल पिया है, लेकिन आपको दो ग्लास या तीन ग्लास पानी सुबह इस प्रकार से पी लेना है। इस तरीके से मलासन में बैठ करके पानी पी लेने के बाद आपको इस प्रकार से इस स्थिति में आ जाना है। यहां आने के बाद जो हमारा पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भू नमन आसन का अभ्यास। तो भू नमन आसन के अभ्यास में जो सजगताएं हैं उसको आप ठीक तरीके से समझ लें। आपको इस तरीके से दंडासन की स्थिति में आ जाना है, पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के रखेंगे और आप इस तरीके से अपनी कमर से पूरा इस तरीके से घूम जाएंगे। इतना घूमने के बाद आप सांस को बाहर छोड़ेंगे और इस तरीके से ले जाते हुए अपने फोरहेड को मैट से स्पर्श कराएंगे, भूमि से स्पर्श कराएंगे। इसके बाद आप सांस भरते हुए वापस ऊपर उठ जाते हैं और सांस छोड़ते हुए आपको दूसरी तरफ जाना है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं, सांस को अंदर भरते हुए आप यहां पर बीच में आ रहे हैं, फिर आपको दूसरी दिशा में जाना है और पूरा सांस बाहर छोड़ना है और नीचे जाना है। इस तरीके से आपको 30 बार 40 बार कर लेना है। ये अभ्यास तेज नहीं करना है, धीमी गति से करना है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है, वो बात ये कि कई लोग भूनमन के अभ्यास में इस तरीके से जाते हैं और अपने शरीर के बिल्कुल बगल में इस तरीके से भूमि से स्पर्श कराते हैं अपने माथे को। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जितना आप पीछे जाएंगे उतना ही जो आपका कटिक क्षेत्र है वहां से आपका एक रोटेशन हो सकेगा, और जितना ये रोटेशन होगा उतनी ही जो आपकी आंतें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, एक तरीके से वो स्टिमुलेट होंगी और एक तरीके से जो मैंने बताया कि एक मूवमेंट होता है आंतों का आपकी, वो अच्छा हो सकेगा, इंप्रूव हो सकेगा। तो आपको भूनमन के अभ्यास में पहली सजगता तो ये रखनी है कि जितना ज्यादा आप पीछे यानी कि अपने शरीर के लगभग पीछे जितना आप ले जा सके उतना ले जा करके तब आपको नीचे जाना है, इस तरीके से आप देख लें। ये एक सजगता है, विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि कई लोग जब भूनमन का अभ्यास करते हैं तो इस तरीके से उनके नितंब जो हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। अगर इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर आप पाएंगे जब इस तरीके से करेंगे और बगल से पूरा ऊपर उठ जाएंगे कि आपके पेट के ऊपर जो प्रभाव आना चाहिए था वो तो आ ही नहीं रहा है, जो एक रोटेशन होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा है। तो इस अभ्यास से फिर पूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे। जब आप इस तरीके से ये अभ्यास करेंगे और ऊपर आपने पहले पानी पिया है तो इस मूवमेंट के कारण वो पानी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नीचे की तरफ जाएगा, आपकी आंतों में जो मल रुका हुआ है उसके ऊपर एक दबाव बनेगा जाकर के, और उस मल को निष्कासित करने का वेग बनेगा, प्रेशर बनेगा। ये अभ्यास तभी उपयोगी होगा जब सांसों का ध्यान, पहली बात, दूसरी बात, आपको पीछे जितना आप फोरहेड को ले जा सके और स्पर्श करा सके उतनी कोशिश करना है, और तीसरी बात, आपको उठ नहीं जाना है, नितंब को अपने मैट से स्पर्श जितना रख सके उतनी कोशिश आपको करनी है। इन तीन सजगताओं को रखते हुए आपको ये भूनमन का अभ्यास कर लेना है। अब आप देख लें इस प्रकार से, तो इस तरीके से आपका ये भूनमन का अभ्यास रहने वाला है। तो आपका ये अभ्यास हुआ पहला। अब इसके बाद का जो अभ्यास है ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप सजगता से समझ लेंगे कि कैसे करना है। अब यहां पर जो ये अभ्यास है इसको कोवा चालन या फिर क्रो वॉक भी कहा जाता है। तो इस अभ्यास के लिए आपको इस तरीके की स्थिति में आ जाना है। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। इस तरीके से आए, आपने अपने बाएं पैर को आगे रखा, बाएं पैर को आगे रखा और दाएं पैर के घुटने को आप लेकर के आए और बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श कराया, और आपका जो ये बायां हाथ है इसको इस तरीके से रखा और इस तरीके से इस घुटने को अंदर की तरफ दबाया, और जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना आपने देखा, इतना आप रुके। उसके बाद आपने इस तरीके से जो पीछे पैर था उसको आप आगे लेकर के आए, फिर आपने अपने बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श कराया और आपने अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को अंदर की तरफ इस तरीके से दबाया और आपने इस तरीके से पीछे देखा, फिर आपने दूसरे पैर को बढ़ाया और इसको आप आगे लेकर के आए, फिर अपने दाएं घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श कराया और फिर आपने इस तरीके से पीछे देखा, और फिर आप इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पैर से एक मूवमेंट हो रहा है, फिर दूसरे पैर से,
फिर बदलते हुए इस तरीके से आप एक एक पैर आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक पैर पर आपका एक पूरा इस तरीके का एक रोटेशन होता है। ये बहुत ही उपयोगी अभ्यास है, बहुत ही सुंदर लाभ देने वाला अभ्यास है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा असहज हो सकता है, तो आपको थोड़े दिन का अभ्यास करना होगा, तब आप इसको ठीक तरीके से समझ करके कर पाएंगे। लेकिन आप निरंतर जब इसको समझ के करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए सरल हो जाएगा। आपको एक लंबा स्थान रखना है, यहां पर तो हम केवल आपको करके बता रहे हैं, आपको खुले में अपने घर के आंगन में इसको करना है और आपको पूरा एक चक्कर लगाना है, फिर उधर से इधर आए, फिर इधर से इधर गए। इस तरीके से आपको यह अभ्यास करना है। 5-6 मिनट तक इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं या फिर टुकड़ों में भी करते हैं तो यह अच्छा अभ्यास रहेगा। बढ़ाते हुए 10 मिनट तक इसका अभ्यास आप ले जा सकते हैं। एक बार फिर से देख लें आप किस तरीके से हमने इसको करके बताया है। तो इस तरीके से आप अपने पैर के अंगूठों पर, उंगलियों पर आ जाते हैं, अपने बाएं पैर को हम आगे लेकर के आते हैं, दाएं घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से ऐसे स्पर्श कराया और ये, फिर दूसरा, फिर बदलते हुए। तो इस तरीके का ये आपका अभ्यास रहेगा। और ये जो अभ्यास होते हैं इस प्रकार के, ये कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये परमानेंटली आपकी समस्या को समाप्त करने वाले अभ्यास होते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ठीक अवस्था में पहुंच गया, अब मुझे ये समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या तो कुछ समय के बाद चली ही जाएगी। लेकिन आपको अभ्यास नहीं छोड़ना है, अभ्यास आपको निरंतर बना करके रखना है। जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की यौन समस्या होती है या फिर महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्या, पीसीओडी की समस्या और भी अनेक प्रकार की जो स्थितियां रहती हैं, उन सभी स्थितियों में भी इस तरीके से जो आप करेंगे ये अभ्यास, इससे बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो योग की यही एक सुंदरता है कि आप एक समस्या के समाधान के लिए कोई अभ्यास करते हैं, उस समस्या को तो वो योग अभ्यास ठीक करता ही है, साथ ही साथ कई तरीके की दूसरी समस्याएं भी होती हैं, उनको भी वो अपने साथ ही लेकर के चला जाता है। तो आप इनको गंभीरता से लें और ये जो आज का अभ्यास है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। अनेक व्यक्तियों ने इसका अभ्यास हमारे संकेत पर किया, उन्हें बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले। ये बिल्कुल सुरक्षित है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको बैक पेन है, नी पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है या कोई विशेष ऐसी समस्या है घुटनों से संबंधित, या फिर आपकी हर्निया की सर्जरी हुई है, ऐसी कुछ विशेष अवस्थाओं में, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ऐसी स्थितियों में इस अभ्यास को नहीं करना होता। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो हमने कहा शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन ठीक से जो विधि बताई है उसे एक बार फिर से देखो, देख करके समझो और उसके बाद फिर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो अपेक्षा है कि ये आज का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रयोग करेंगे, विशेष लाभ आपको मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।